हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर ली थी एंड आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। इस लेक्चर में हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नंबर वन टॉपिक इज योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आपको पता है, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो हमारी बेसिक कंडीशन है वो ये है कि कार्बन की आपको एक लॉन्ग चेन गिवन होगी एंड उस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब भी आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपका कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? पाई इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट होगा फ्रॉम अ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में आपको पता है डबल बॉन्ड भी हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहां पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक डबल बॉन्ड के अंदर आपका एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड एक पाई बॉन्ड होगा। यहां से पाई बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर दूसरे कार्बन एटम पर, ऐसे ट्रांसफर को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब यहां से एक पाई बॉन्ड दूसरे कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब यहां से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जब इस कार्बन के ऊपर आएगा तो यहां पे आपका पोलैरिटी जनरेट होगी नेगेटिव साइन। और जहां से ये बॉन्ड, यहां जहां से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर निकलेगा वहां पे पोलैरिटी जनरेट होगी पॉजिटिव, यानी कि प्लस साइन, जैसा कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। यहां से आपका एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, वो इस कार्बन पे आया, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया, इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया। और इस कार्बन की तरफ से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसने डोनेट किया है, इसीलिए यहां पे पॉजिटिव साइन आया। ओके, सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट का मतलब होता है जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू विच द रिएजेंट गेट अटैच्ड। मतलब प्लस ई इफेक्ट के अंदर आपका एक ऐसा रीएजेंट अटैक करेगा जो कि खुद पॉजिटिव होगा। मतलब अब देखिए, आपको एक कंडीशन गिवन है, आपको सी डबल बॉन्ड ओ गिवन है, यहां से आपने देखा पाई बॉन्ड जनरेट हुआ, यहां पे आपका पाई बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव चार्ज, यहां से आपका ऑक्सीजन पे चार्ज जनरेट हुआ नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा है यहां पे जो एरो के ऊपर कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप लिखा होता है, इसे कहा जाता है रिएजेंट जो कि अटैक करेगा। अब आपको दिख रहा है यहां पे H+ आयन एक अटैकिंग ग्रुप है, तो आपको पता है प्लस चार्ज वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन का आयन है ये ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है प्लस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आया है एंड इसे कहा जाता है प्लस ई इफेक्ट। अब बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम ऑफ द डबल बॉन्ड टू विच द अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट अटैच्ड। मतलब जहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है,
मतलब यहां से अब आपको दिख रहा है माइनस ई इफेक्ट में, यहां से आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा है अटैकिंग रिएजेंट आपका सी एन माइनस है, साइनाइड आयन है, तो साइनाइड आयन अब यहां पे तो अटैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है एंड साइनाइड के पास भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो साइनाइड से साइनाइड आयन जो है अटैकिंग रिएजेंट है वो कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो हुआ सी के साथ सी एन माइनस जुड़ा एंड आपका एक एनायन का फॉर्मेशन हो गया और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है आपका माइनस ई इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है। इट इज अ इफेक्ट दैट इज पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ पाई बॉन्ड। ये इफेक्ट तब जनरेट होता है जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरैक्शन होता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उनके अंदर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट में या तो लोन पेयर में भी इंटरैक्शन हो सकता है, लोन पेयर पाई बॉन्ड में भी इंटरैक्शन हो सकता है और पाई बॉन्ड में भी इंटरैक्शन हो सकता है। रेजोनेंस, इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर नॉट एटम्स। जब भी रेजोनेंस की बात की जाएगी तो रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा ना कि एटम्स का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो जो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके पास, उन सब की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है एंड दिस इफेक्ट इज ऑलवेज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, नाउ रूल्स टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपसे बोला जाता है कि आपको किसी कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है उसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहला रूल है कि ओनली sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल्स ही केवल रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब sp एंड sp2 का क्या मतलब है? sp का मतलब है आपका ट्रिपल बॉन्ड एंड sp2 का मतलब है डबल बॉन्ड। ओके, ये है रूल नंबर वन। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप केवल उन्हीं स्ट्रक्चर का बना सकते हैं जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्डेड एटम्स कभी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर लोन पेयर होने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट इज पार्टिसिपेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज नॉट अलाउड। सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज पोजिशन ऑफ एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एटम आपको जहां पे गिवन है स्ट्रक्चर के अंदर, आपको उस एटम की पोजीशन सेम ही रखनी है। केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर्स की पोजीशन डीलोकलाइज हो सकती है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, जबकि जो एटम की पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। आपने इफेक्ट लगाया, यहां से आपका पाए इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, तो यहां पे आपका चार्ज आया प्लस, यहां पे आया आपका नेगेटिव चार्ज।
ऐसे ही आपने यहां से डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, यहां पे आपका चार्ज आया प्लस, यहां पे आया आपका यहां पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज एंड यहां पे आया आपका नेगेटिव चार्ज. सो गाइज एज यू कैन सी हेयर डबल बॉन्ड की पोजिशन शिफ्ट हुई है केवल यहां पे. यहां पे देखिए यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहां आ गया. यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया. तो मतलब ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ओके नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज एंड लोन पेयर्स आर कंजर्व्ड इन रेजोनेंस. जितना भी टोटल चार्ज है या लोन पेयर का नंबर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर. सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ लाइक और डिसलाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम मेक हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब अगर कोई भी लाइक या डिसलाइक चार्ज प्रेजेंट है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास तो वो हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर आप बोल सकते हैं इनवैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो कि एक्सेप्टेड नहीं होता. ओके आपको दिख रहा है यहां पे एग्जाम्पल्स गिवन है. नाउ रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं. नंबर वन इज प्लस एम इफेक्ट एंड नंबर टू इज योर माइनस एम इफेक्ट. देखिए प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या है. ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करते हैं एंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं रेजोनेंस की जो कंडीशन है रिक्वायर्ड कंडीशन है कि कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो ऐसे ग्रुप्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें कहा जाता है प्लस एम ग्रुप या फिर ऐसे ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे. प्लस एम ग्रुप के ऑर्डर आपको गिवन है, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है. अब तक आपने प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर देखा था एंड अब आपको प्लस एम एंड माइनस एम का ऑर्डर भी याद रखना है. ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे. ओके माइनस एम इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं द ग्रुप्स विच टेक्स इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज माइनस एम ग्रुप एंड दे शोज माइनस एम इफेक्ट. माइनस एम इफेक्ट का आपको ऑर्डर दिख रहा है ये भी आपको याद रखना है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ आर और एम इफेक्ट. अगर बात की जाए रेजोनेटिंग इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन की तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. आपको पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती थी जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्लस आई के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी माइनस आई के. उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन केस ऑफ रेजोनेटिंग और मेसोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस एम के. ओके एग्जाम्पल देखिए यहां पे आपको एक डबल बॉन्ड गिवन है, यहां पे आपके दो डबल बॉन्ड गिवन है एंड यहां पे आपके तीन डबल बॉन्ड गिवन है. इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा या फिर स्टेबल होगा. तो देखिए एज यू कैन सी यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर. ये पॉजिटिव चार्ज यहां से डीलोकलाइज हो सकता है, यहां से आपके पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं तो यहां पे प्लस चार्ज का जनरेशन होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा. इसी तरीके से यहां से ये चीजें डीलोकलाइज होती रहेंगी तो यहां पे आपका सेकेंड स्ट्रक्चर में मोर रेजोनेंस मिलेगा. जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं केवल एक पाई बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है तो ये स्ट्रक्चर भी स्टेबल तो होगा लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाला स्ट्रक्चर. ओके एंड थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लेकिन ये लोकलाइज्ड चार्ज है. मतलब ये चार्ज लोकलाइज्ड है, एक जगह फिक्स है, इसीलिए यहां पे सबसे कम रेजोनेंस होगा. इसी वजह से यहां पे सबसे कम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी. ओके नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन. जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा कार्बेनायन में उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा. थर्ड इज योर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहां पे आपका एक डबल बॉन्ड है, यहां से ये फ्री रेडिकल, यहां से आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा,
तो यहाँ पे चार्ज का जनरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. जबकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो चार्ज का जनरेशन होगा. उसके बाद यहाँ पे भी आपका एक और डबल बॉन्ड है, यहाँ से भी चार्ज का जनरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस देखने को मिलेगा. इसीलिए सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट इज एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है माइनस एम अपॉन प्लस एम, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एम ग्रुप के माइनस आई ग्रुप के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस एम एंड प्लस आई ग्रुप के. इसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. सो गाइज, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं. तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम ग्रुप के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एम ग्रुप के. रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल सकता है. आपको तीन चार स्ट्रक्चर्स दिए हो सकते हैं, उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, एंड आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा इन केस ऑफ बेंजीन. तो बेंजीन के केस में जो भी स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा उसका ऑर्डर आपको याद रखना है, वो ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जिस भी स्ट्रक्चर के साथ प्लस एम वाला ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. वो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, प्लस एम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन प्लस आई की, देन माइनस आई की, एंड सबसे कम रिएक्टिविटी होगी माइनस एम की. इस एक लाइन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, व्हाई? अब आपको नेक्स्ट दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इसके अगले वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनॉल, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे फंडा लगता है रेजोनेंस का. जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. आपने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, आपने हाइड्रोजन आयन को निकाला, देन यू विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस. अब आपने इस स्ट्रक्चर का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया. जैसे ही आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा कि ओ के ऊपर चार्ज यहां पे कंजर्व है एंड यहां पे भी ओ के ऊपर चार्ज कंजर्व है. तो इसीलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के अंदर आपको दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले. इसी वजह से यहां पे ये जो एनायन का फॉर्मेशन हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, दिस इज योर स्टेबल स्ट्रक्चर. इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनॉल. अब आपने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा कि यहां पे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए. यहां पे आपको दो स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं लेकिन इसके पांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का सिंपल मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर में तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज दिख रहा है लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन रिंग के अंदर ही माइनस चार्ज दिख रहा है. मतलब ये जो माइनस चार्ज है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर चार्ज की पोजीशन चेंज होती है उन्हें कहा जाता है अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है. इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं आपको. इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है चार्ज की पोजीशन बिल्कुल फिक्स है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, व्हाई? अब पूछा गया है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है देन एल्कोहल, इसका रीजन क्या है? फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखा आपको, पीएच, एंड आपने जब इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकाला तो पीएच माइनस ओ आयन, आपका कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ. अब आपने देखा कि यहां पे आपका स्टेबिलिटी होगी क्योंकि फिनाइल आयन के अंदर, फिनॉल आयन के अंदर रेजोनेंस दिख मिल जाता है, रेजोनेंस की प्रोसेस हो जाती है. जबकि
एल्कोहल के अंदर, किसी भी एल्कोहल के अंदर आर इज योर एल्काइल ग्रुप, आर की जगह अगर आपने CH3 ले लिया, मेथनॉल की अगर हम बात करते हैं उसका कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करते हैं तो वो बनेगा CH3O-। CH3O- के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई रेजोनेंस नहीं होगा। इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस की प्रोसेस होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट आर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप एस्पिरेंट हैं CSIR UGC नेट के, तो आप नेहा तनेजा मैम को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एंड विद वन सब्सक्रिप्शन यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।